अस्सलाम वालेकुम, मैं दिलकश निगार आपको अपने चैनल दिलकश ब्यूटी में खुशामदीद कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह पाक की रहमत से बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी चेहरा चमकाने की एक जबरदस्त स्किन वाइटनिंग रेमेडी। ब्लीच पाउडर में ये चीजें मिलाएं और फेस पर लगाएं। सिर्फ 20 मिनट में आपका चेहरा चांद की तरह चमक जाएगा। ब्यूटी पार्लर में ब्लीच इसी तरह की जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी होती है। इससे पहले कि मैं आपको इस अमेजिंग फेस वाइटनिंग ब्लीच के बारे में डिटेल से बताऊं, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, नीचे लगे रेड सब्सक्राइब बटन को दबा दें और इसके साथ लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको मेरी डेली न्यू वीडियोस सबसे पहले मिल सके। स्किन वाइटनिंग ब्लीच क्रीम को बनाने का तरीका यह है कि आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें आप सबसे पहले एक चम्मच के बराबर ब्लीच क्रीम ऐड करें। ये मैंने 10 रुपए वाला साशे लिया है। ये केयर पीच ब्लीच क्रीम है, आप चाहें तो किसी और कंपनी की भी यूज कर सकते हैं। और अब आप इसमें डालें आधे छोटे चम्मच के बराबर ब्लीच पाउडर, ये भी इसी साशे में मौजूद होता है। अब आप इसमें डालें एक अदद क्रीमी वाइटनिंग कैप्सूल, ये आपको किसी भी मेकअप शॉप या जनरल स्टोर या मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगा। ये कैप्सूल बहुत अच्छा है, इसको यूज करने से रेमेडी का जो वाइटनिंग का अमल है, वाइटनिंग प्रोसीजर, वो तेज हो जाएगा। अब आप इसमें डालें सिर्फ 2 ड्रॉप्स ग्लिसरीन, खालिस ग्लिसरीन आपने लेनी है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाएगी। ये 2 ड्रॉप्स के बराबर ग्लिसरीन मैंने प्याले में डाल दी है। ग्लिसरीन से आपकी स्किन चमकदार होगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत प्यारी लुक आएगी। और अब लास्ट में आप इसमें डालें आधा चम्मच तिब्बत क्रीम, तिब्बत स्नो क्रीम आपने लेनी है। तिब्बत क्रीम से रंगत में इंस्टेंट निखार आता है, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये रंगत को निखारती है। और अब आप प्लास्टिक के चम्मच की मदद से ये तमाम इंग्रेडिएंट्स खूब अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये देखे मैंने इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को खूब अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और हमारी स्पेशल स्किन केयरनेस ब्लीच क्रीम अब तैयार है। इसका तरीका इस्तेमाल ये है कि आप ब्रश या उंगली की मदद से ये मिक्सचर अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं और 20 मिनट तक लगी रहने दें। इसके बाद आप अपना चेहरा और गर्दन सादा पानी से वॉश कर लें, लेकिन साबुन यूज ना करें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन चमक रही होगी। कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है आप खुद देख लेंगे। स्किन बहुत फेयर हो जाएगी। आप इस रेमेडी को 15 दिन में एक बार जरूर यूज किया करें, आपका चेहरा हमेशा चमकता दमकता रहेगा। सो अगर आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और अपने तमाम फ्रेंड्स, जानने वालों और रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।